बास्केटबॉल खेल के नए फॉर्मेट 3-on-3 प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई के राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसका समापन रविवार को सभी कैटेगरी के फाइनल मुकाबले खेल कर किया गया। राजेश पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 2 भिलाई में दिनांक 29/4/22 से 1/5/22 तक बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ प्रदेश बास्केटबॉल संघ एवं सिख यूथ फोरम भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में बास्केटबॉल खेल के नए फॉर्मेट 3-on-3 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की 80 टीमों ने भाग लिया। बालिका वर्ग के फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स ने नागपुर ओजीएफ को रोमांचक मुकाबले में 20-21 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। तृतीय स्थान पर रेवेंजर्स टीम रही। वहीं अंडर 19 बालिका वर्ग में फप पटेल एकेडमी ने ब्लू फाइटर सरगुजा को 21-11 से पराजित कर खिताब जीता। इस सेगमेंट में तृतीय स्थान प्राप्त किया वॉरियर्स की टीम ने, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन कर सरगुजा रॉयल्स को 21-13 से पराजित किया। वहीं बालक वर्ग में उज्जैन 303 ने बिलासपुर स्टार्स को 21-14 से पराजित कर खिताब जीता। तृतीय स्थान पर नागपुर हुपर्स रही। बालक वर्ग अंडर 19 में भिलाई रॉप्टर्स ने भिलाई किंग्स को 18-16 से पराजित कर खिताब जीता। तृतीय स्थान रहा रेवा टाइटंस का। प्रतियोगिता में विजेता टीमों को बेंगलोर में होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धा 303 में खेलने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर माननीय प्रेम प्रकाश पांडे सहित अन्य नामचीन हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस प्रतियोगिता में खेलने वाले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ी भी इस नए फॉर्मेट को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। विजेता टीमों की घोषणा करते हुए उन्हें उपहार भी प्रदान किए गए। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस खेल आयोजन को सफल बनाने में अहम योगदान देने वालों का स्वागत सम्मान भी स्मृति चिन्ह देकर किया गया। जहां ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम से चर्चा करते हुए विजेता टीम के प्रतिभागियों ने इस नए फॉर्मेट को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी, तो वहीं आयोजकों ने इस आयोजन के उद्देश्य को बताया, बास्केटबॉल के इस नए फॉर्मेट में आगे खिलाड़ियों के सफर की जानकारी दी। ये बहुत अलग है उससे, और वो ये तो 10 मिनट का गेम है, वो ऑलमोस्ट 40 मिनट का रहता है, जिसमें हमें 3-on-3 में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो अलग चैलेंज है। हाँ, ये क्यों है, मतलब पिक्चर ऑफ सेकंड में आप क्या करना है आपको पता नहीं रहता, आपको वो तुरंत डिसीजन लेना रहता है। इसमें तो आपको ये है कि तुरंत अपना सेल्फ कोच बनना पड़ेगा, पहले तो टीम के लिए 3-on-3 के लिए। अगर आप सेल्फ डिफेंस में या ऑफेंस में खुद डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसमें आप जीत नहीं सकते। इस गेम के लिए तो बहुत कम आएगी, क्योंकि एक कोच का रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये 3-on-3 हो या 12 मेंबर्स वाला फुल गेम हो। सर, अभी तो ये हम विनिंग टीम अभी हुई है, और आगे अभी कोच जैसे प्रैक्टिस कराएंगे उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करके नेशनल के लिए निकलेंगे। फर्स्ट टाइम विनर हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम राजेश पटेल सर के स्टूडेंट हैं, चारों हम पटेल एकेडमी के नाम से हम रिप्रेजेंट किए थे। ये आज हम विनर है, सब सर की बदौलत है, जो भी है राजेश पटेल सर की बदौलत है। बहुत ठीक थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग पटेल सर के स्टूडेंट हैं, तो हम उनसे ज़्यादा बेस्ट थे। ये एक्चुअली में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक लीग स्टार्ट किया है, जिसका जो मोटिव वो ये है कि बास्केटबॉल को प्रमोट करना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे T20 क्रिकेट का एक फॉर्मेट है, तो वैसे ही बास्केटबॉल का फॉर्मेट अभी 2-3 साल पहले आया, जिसको हम 3-on-3 बोलते हैं। इसमें होता ही है, चार प्लेयर की टीम होती है, 3 अंदर खेलते हैं, 1 बाहर होता है। और अभी ये विभिन्न 20 शहरों में आयोजित किया जा रहा है, और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसे 20 शहर को चुना है जहाँ पिछले 20 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस हुए, तो हमारे लिए वो सम्मान की बात है कि उन्होंने हमें चुना। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि 4 इवेंट हुए, तो 4 इवेंट के जो विनर्स हैं वो कम्पीट करेंगे नेशनल में जाकर। नेशनल में जाने के बाद वहाँ पे जो भी 20 शहरों में जो टूर्नामेंट हुए हैं, वहाँ पे जो भी विनर टीमें हुई हैं, वो सब वहाँ पे कंपीट करेंगे। वहाँ पे जो टॉप 3 होंगे, वहाँ से फिर इंडियन टीम का सिलेक्शन होगा, जो उसका प्रतियोगिता होगी जापान में होगी। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और सिख यूथ फोरम की तरफ से आज जो है ये प्रोग्राम, क्योंकि पिछले परसों की शुरुआत हुई थी, जिसमें 84 टीमों ने हिस्सा लिया था, और उन 84 टीमों में आज एक फाइनल था, और काफ़ी उत्सव वाला माहौल था यहाँ पर। और सबसे बड़ी जो देखने की बात ये आ रही है कि जिस तरह से राजेश पटेल जी ने यानी अपना जो यहाँ पर योगदान दिया है, जिन्हें हम द्रोणाचार्य के नाम से हम पुकारते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, और उन्होंने यहाँ पर यह पूरी छत्तीसगढ़ की टीमों को यहाँ एकत्रित करके, और इनमें से बहुत जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें जो है आगे जो है इनको नौकरियों पे भी लगाया जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई की टीम की तरफ से पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, और जो भी पहले जिन्होंने नौकरी लग गई है और जो खेल में प्रतिभा अपनी दिखाई जिन्होंने, उनका यहाँ पर सम्मान किया गया है। और इसी तरह आगे भी हम चाहेंगे कि फेडरेशन की तरफ से जो है आगे जारी रखे, और जो प्रतिभाएं हैं उनकी और ज़्यादा निखार उनमें निखार आए। और मैं सबसे पहले तो
बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने देश के मुख्य शहरों में जो टूर्नामेंट आयोजन किए हैं उसमें हमारे छत्तीसगढ़ में उन्होंने भिलाई को चुना है। लगभग 2 साल के कोरोना कार्यकाल के जो उसमें काफ़ी गतिविधियाँ हमारी बंद हो चुकी थी, उसके बाद ये बच्चों के लिए बहुत ही एक भव्य आयोजन देखने को मिला है। इसमें स्थानीय स्तर पर पटेल अकेडमी भिलाई और शिक्षित फोरम ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। लगभग इसमें 70-80 टीमों ने हिस्सा लिया है और आज इस टूर्नामेंट का समापन हुआ है। इसकी जो विजेता टीम है जूनियर महिला जूनियर सीनियर महिला और पुरुष वर्ग में दोनों टीमें, उनका जो पूरे देश में 20 शहरों में जो चयन किया गया है उनकी विजेता टीम का बेंगलोर में टूर्नामेंट होगा, उसमें जो टीमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजिशन आएगी उनको काफ़ी बड़ी इनाम राशि भी मिलेगी और साथ में उनको जॉब के भी चांस मिलेंगे। बहुत बढ़िया एक उपराला है जो कि छोटे छोटे बच्चों को जोड़ के और खेलों में लगा रहे हैं और अच्छी एक लाइन पकड़ा रहे हैं जिसमें आगे के लिए रोजगार भी मिल रहा है और शरीर भी ठीक रह रहे हैं, उसके लिए सब बधाई के पात्र है। राजेश पटेल के जो आगे पूरा परिवार है वो साथ में जुड़ा हुआ है, तो सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए और उन्होंने आयोजकों को ढेरों बधाइयां दी। साथ ही इस बास्केटबॉल के नए फॉर्मेट में प्रतिभागी बने खिलाड़ियों को उनके आगे के उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। बास्केटबॉल के पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश पटेल के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी जगह जो खाली हुई है उसे कोई नहीं भर सकता, बल्कि एक प्रयास किया जा सकता है कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर और इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। आज यहाँ पर 3 दिवसीय टूर्नामेंट हुआ जो आयोजक थे IMBL और सिख फोरम के तरफ से ये आयोजन हुआ है और बाकी सारे जो लोग ऑफिशियल थे वो और बहुत सारे बच्चे, बताया गया कि 104 टीमें आई हैं लगभग और उसमें से 4 टीमें जो सेलेक्ट हो रही हैं उनको आगे बेंगलोर में खेलना है जहाँ एक बड़ा प्राइस मनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टेडियम जिस उद्देश्य से बना था आज उसकी सार्थकता जो है दिखाई दे रही है। भिलाई प्रतिभाओं का खान है, ये हब है टैलेंट्स का हर सेक्टर्स में है और मैं समझता हूँ कि ये स्टेडियम स्वर्गीय राजेश पटेल जी के नाम पर है, तो जो बच्चे हैं वो उस दिशा में ही उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेंगे ऐसी अपेक्षा है। नहीं, जगह कौन ले सकता है, जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उससे प्रेरणा लेकर के जो बच्चे हैं या तो और उससे आगे जा सकते हैं या पीछे जा सकते हैं, कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होता। सिख यूथ फोरम ने इसके पहले भी राजेश पटेल बास्केटबॉल एकेडमी के साथ मिलकर कई ऐसी प्रतियोगिताएं कराई है जिससे खिलाड़ियों का मनोबल काफी बढ़ा है और खिलाड़ी एक नए जोश के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहराने को तैयार हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।